हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्लेसमेंट वाला। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल प्लेसमेंट वाला पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए तीन बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज, जो कि है विप्रो, विलेएज और हिटैची की तरफ से। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारी जॉब अपडेट्स और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो की तरफ। तो पहली जो अपॉर्चुनिटी है विप्रो की तरफ से, यहाँ पर जो बैच एलिजिबल है वो है 2019, 20, 21 और 2022। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है विले एज की तरफ से, यहाँ पर जो बैच एलिजिबल है वो है 2021 एंड 2022। लास्ट अपॉर्चुनिटी है हिटैची की तरफ से, यहाँ पर जो बैच एलिजिबल रहेगी वो है 2022। अब हम सारी ही जॉब देखेंगे डिटेल में ताकि कोई भी टाइप का आपको डाउट ना रहे। तो पहली अपॉर्चुनिटी है विप्रो की तरफ से, यहाँ पर विप्रो हायर कर रही है एनालिस्ट प्रोग्रामर के रोल के लिए। यहाँ पे जो लोकेशन है वो आपकी रह सकती है गुरुग्राम, नोएडा। फिर उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है रोल पर्पस। द पर्पस ऑफ दिस रोल इज टू प्रिपेयर टेस्ट केसेस एंड परफॉर्म टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन टू बी डिप्लॉयड एट द क्लाइंट एंड इंश्योर इट्स मीट 100% क्वालिटी अश्योरेंस पैरामीटर्स। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली आपको टेस्टिंग आनी चाहिए, टेस्ट केसेस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, टेस्ट केसेस पास करते आने चाहिए। स्टेक होल्डर इंटरेक्शन यहाँ पे इन्होंने बताया है, डिस्प्ले वगैरह बताया है, कॉम्पिटेंसी लेवल डिस्क्राइब करा है, बिहेवियर कॉम्पिटेंसी, ये सारी चीजें बताई हुई है। आप एक बार जरूर से पढ़ लीजिए क्या, अगर आप एनालिस्ट प्रोग्रामर की पोजिशन में विप्रो में वर्क करना चाहते हैं तो जरूर से अप्लाई के बटन पे क्लिक करके जरूर से अप्लाई कीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ, जो कि है विले एज। यहाँ पर जो विले एज हायर कर रही है जिस रोल के लिए वो है ग्रेजुएट जावा डेवलपर। यहाँ पर जो जॉब लोकेशन रहेगी वो रहेगी मुंबई। तो फिर व्हाट यू नीड, यानी कि यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, तो डिग्री इन कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी और रिलेटेड STEM सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन इन 2021 और 2022 बैचेस एलिजिबल है, एकेडमिक एग्रीगेट ऑफ 60% और हायर, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए, जावा मैंडेटरी है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास में ऐसा एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव कोडिंग का तो एडवांटेज रहेगा। सॉलिड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको, ऊप्स आना चाहिए, डिजाइन पैटर्न्स, मल्टी थ्रेडिंग, गुड ट्रबल शूटिंग एंड डीबगिंग स्किल्स, वर्किंग नॉलेज ऑफ डेटाबेस कंसेप्ट SQL, देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा। तो आप विलेज में वर्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई के बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे जरूर से अप्लाई कीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ, जो कि हमारी लास्ट अपॉर्चुनिटी है आज की हिटैची की तरफ से। यहाँ पर ये एक ऑफ कैंपस ड्राइव है BE BTech स्टूडेंट्स के लिए फॉर द बैच ऑफ 2022। यहाँ पे लोकेशन दी गई है हैदराबाद। फिर यहाँ पे प्रोफेशन कंसल्टिंग एंड ऑफरिंग। फिर यहाँ पे लाइफ ऑफ एन व्हाट यू विल ब्रिंग। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखते हैं, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 70% मिनिमम, स्ट्रॉन्ग डोमेन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, टैलेंट फॉर कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, अ फ्लेक्सिबल प्रोएक्टिव अप्रोच, द एबिलिटी टू वर्क एज अ पार्ट ऑफ टीम। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे जरूर से अप्लाई कीजिए। ये हमारा चैनल है प्लेसमेंट वाला, हम सारी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और अपॉर्चुनिटीज और लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे पुट करते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो सके। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।